भीख नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। दुखी युवा करता पुकार, हमें चाहिए रोजगार। दुखी युवा करता पुकार, हमें चाहिए रोजगार। दुखी युवा करता पुकार, हमें चाहिए रोजगार। आज कैथल के जोहर पार्क में सुखबीर नरड जी आए हैं और उनसे मिलते हैं। किस मुद्दे पर अनेकों साथियों के साथ आए हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी, और आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज हम जोहर पार्क के अंदर युवाओं के मुद्दों को लेकर खड़े हुए हैं। पिछले 8 साल के अंदर इन सरकारों ने रोजगार के नाम पे ताले लगा दिए हैं। 4 साल में इन्होंने कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो सिरे चढ़ा दी हो। खट्टर सरकार की ये हालत हो गई है। ये बार बार सीटी का एग्ज़ाम लेते हैं, उसको पोस्टपोन कर देते हैं, कभी दूसरे एग्ज़ाम को कैंसिल कर देते हैं। दो दो साल नौकरियां करने के बाद उनके मुंह से निवाला छिलने की कोशिश करते हैं लोग। तो इस तरीके की जो व्यवस्था चल रही है, जो नीतियां चल रही है सरकार की, उसके विरोध में आज सभी युवाओं के साथ हम इकट्ठा हुए हैं। युवाओं के साथ मिलकर आज इनकी हक की लड़ाई लड़ेंगे। पिछले काफ़ी समय से हमने देखा है कि अग्निवीर जैसी योजना आई और बहुत से जो युवा साथी सड़कों पे ऊपर दिन रात हर टेम्परेचर के ऊपर दौड़ लगा के मेहनत कर रहे थे, जिनकी एडियां घस गई थी दौड़ लगा लगा के, उनके जो काम थे और जो उनकी इच्छाएं थी उसको ख़त्म करने का काम सरकार ने किया। उस समय में अग्निवीर आने के बाद बहुत से साथियों ने आत्महत्याएं की। मैं युवा साथियों से आज कहना चाहता हूं, ये आत्महत्या करने का समय नहीं है, ये आंदोलन करने का समय है। ये हमें एक तरफ कुर्सी पे बैठने का समय नहीं है, ये हमें सड़कों पे आके अपने हकों की लड़ाई लड़ने का समय है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं। आप जहां कहोगे वहां चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़ाई पुरजोर से तरीके से लड़ी जाएगी और तब तक लड़ी जाएगी जब तक युवाओं का हक, उनका रोजगार उनको नहीं मिलेगा। बीजेपी पार्टी तो लोकसभा की बड़ी बड़ी रैली करके, जैसे रोहतक में किया, गुड़गांव में किया, अब अम्बाड़ा लोकसभा की, आज कह रही है कि ना ही पर्ची ना ही खर्ची चली और रोजगार दिया है, और आप कह रहे कि रोजगार मिले ही नहीं। इन्होंने खर्ची पर्ची की बात कह दी। इनके मुख्यमंत्री के बराबर के दफ्तर में, बराबर के कमरे में सूटकेस पकड़े गए हैं पैसों के। इनके सेक्रेटरी निलंबित हुए हैं पैसे लेते हुए। इन्होंने पक्के रोजगारों को कच्चा कर दिया। इन्होंने सभी युवाओं को रोजगार छुड़वा के हर रोज 700 रुपये महीने के हिसाब से एक कुर्सी के पैसे दे के लाइब्रेरी के अंदर बिठा दिया। आज युवा ओवर एज हो चुका है और ये कहते हैं बिना खर्ची पर्ची आप काम ही नहीं करोगे, ना खर्ची की जरूरत ना पर्ची की जरूरत। काम करोगे तो कुछ लगेगा ना। आपने तो वो हालात पैदा कर दिए हैं, जो भी फॉर्म भरेंगे उसके अंदर दो फीस। आपने तो युवाओं को, बेरोजगारों की जेब काटने का काम। तो सुखबीर, आप तो कह रहे हो कि बराबर वाले दफ्तर में, लेकिन आपके तो मंत्री मनीष सिसोदिया पकड़े जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कोई आरोप नहीं साबित हुआ है किसी तरीके का अभी तक। कोई भी सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है, भाई आप पुख्ता सबूत लेके आइए। उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। राजनीतिक द्वेष के अंदर वो आज पकड़ ले कल पकड़ ले। हमारे दो मॉडल थे, शिक्षा और स्वास्थ्य, उनके ऊपर उन्होंने काली कोतने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रचे। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जी बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया जी बाहर आ जाएंगे। खट्टर सरकार कह रही है कि तीसरी बार हरियाणा में खट्टर सरकार, और जो भी पक्ष है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी लगा लो, वो कह रही है कि हम आएंगे, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, साफ है, जहां युवा खड़ा होता है वहां सरकारें बनती हैं। आज युवा हताश है, आज युवा ये बात देख रहा है कि उसके लिए रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा, उसके सपनों को कौन पूरा करेगा। उनके माता पिता ने उनको 17 साल पढ़ाया है, 12-12 साल पढ़ाया है, 17 साल की उम्र तक मैं 12वीं कर लेता हूँ, ग्रेजुएशन करते हैं हम। उसके बाद अगर मैं चौक पे खड़ा हो जाऊँ कि मैंने डिग्री कर किया है, एक व्यक्ति ये नहीं कहेगा मेरे पास आके काम। ये हालत पैदा कर दी है इन्होंने। इस स्थिति से निपटने के लिए मेरे ख्याल से आज पूरा हरियाणा तैयार खड़ा है, और पूरा हरियाणा एक तरफ है कि कम से कम बीजेपी की इन नीतियों के खिलाफ हम वोट डालेंगे और इनकी सरकार दोबारा निपटने। तो आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो आपका हल्का है, मौजूद हल्का आपका, क्या वो आपको पाएगा? क्या आम आदमी पार्टी का हल्का कलाए तो पाएगा? देखिए, लड़ाई किसी एक गांव, एक मोहल्ले और एक कस्बे की नहीं होती, लड़ाई होती है विचारधारा की। जब युवा बेरोजगार है ना, तो वो किसी हल्के में हो, चाहे किसी गली के अंदर हो, चाहे किसी प्रदेश में हो, चाहे पूरे देश के अंदर हो। तो युवाओं की लड़ाई आज की डेट में, किसानों ने 2 साल अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे खड़े होके लाठी डंडे खाए हैं। 750 किसान शहीद हुए हैं, इन्हीं युवाओं के परिवारों के माता पिता थे वो। आज
हम इकट्ठे हुए हैं तो इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कोई राजनीति नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोजगार के ऊपर बात होगी, सरकार की नीतियों के ऊपर बात होगी, मेरा चूल्हा कैसे सुलगेगा उसके ऊपर बात होगी। तो सुखबीर भाई जी वैसे तो पूरे हल्के की बात करते हैं, लेकिन जो आपका पैतृक गांव है नरड, गणेश डांडा जी मौजूदा मंत्री है, क्या विकास कार्य करवाए नरड गांव की बात? उन्होंने अपने गांव में विकास कार्य कराए, सारे कस्बे की सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप राजौंद के अंदर चले जाओ जहाँ से उनको जिताया गया, आज वहाँ पे गोडे गोडे पानी चढ़िया पड़ा है। आज किसी गाँव के अंदर कुछ जो पानी की निकासी नहीं है, गंदगी गांव के अंदर गलियों के अंदर घुस चुकी है। तो मेरे ख्याल से पूरे के पूरे लेवल पे इनके जितने भी मंत्री एमएलए थे सारे फेल हो चुके हैं, चाहे रोजगार के मुद्दे पे हो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दे पे। तो आप अपने को साथियों के साथ आए हो, क्या संदेश देना चाहोगे? एक ही संदेश दूंगा, एक रहेंगे तो किसी भी मुद्दे को जीत सकते हैं, और अगर अलग अलग हो गए तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोजगार का कोई किसानी का मुद्दा हम जीत सकते हैं। अगर हम एक साथ खड़े हुए थे तभी हमने किसानों के तीन काले कानूनों को जो उनके ऊपर थोपे जा रहे थे उनको वापस करवाया था, और आज की स्थिति ये है, अगर हम कहेंगे तो रोजगार बनेगा, नहीं तो रोजगार की कोई।